नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है टॉप 10 खबरों का, तो आइए निगाह डाल लेते हैं इस वक्त की 10 बड़ी खबरों पे। प्रशांत किशोर की पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से झटका, उपचुनाव की तारीख बदलने की अर्जी खारिज। 26 नवंबर तक आ सकता है डीयू एसयू चुनाव का रिजल्ट, हाईकोर्ट ने दी इजाजत। मुंबई के गोराई बीच पर प्लास्टिक बैग में 7 टुकड़ों में मिला शव। अशोक गहलोत बोले, बीजेपी ने चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया, जो लोकतंत्र में काला धब्बा बन गया है। जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली जमानत। इलाज के लिए 30 दिन के लिए जेल से बाहर आए आसाराम, 11 साल में दूसरी बार मिली पैरोल। खालिस्तानी आतंकी पन्नू की राम मंदिर उड़ाने की धमकी, वीडियो जारी कर कहा, अयोध्या में हिंसा होगी, हिंदुत्ववादी विचारधारा की नींव हिला देंगे। आरएसएस चीफ भागवत बोले, तीसरे विश्व युद्ध की आशंका बनी, दुनिया शांति के लिए भारत की ओर देख रही, पर कुछ लोग अड़ंगा डाल रहे। हिसार में टाटा जूडियो फ्रेंचाइजी के नाम पर ठगी, युवक से हड़पे 36 लाख। कनाडा में गिरफ्तार अर्श डल्ला पर भारत में 70 FIR, राजस्थानी लड़की से पेपर मैरिज कर हुआ फरार। फिलहाल के लिए टॉप 10 खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।